गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गुड़िया। सो आज मैं आपको दो मेजर हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। पहला है डैंड्रफ और दूसरा है हेयर फॉल। यस, अगर आपके सिर में डैंड्रफ है तो आपको हेयर फॉल डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। क्योंकि डैंड्रफ जो है वो आपके स्कैल्प पे चिपक जाता है और आपकी हेयर की रूट्स को वीक करता है, जिससे आपको एक्सेसिव हेयर फॉल होने लगता है। सो ये दोनों प्रॉब्लम का आज मैं आपको एक ही सलूशन बताने वाली हूँ, और सिर्फ 14 डेज। यस, सिर्फ 14 डेज में आपके हेयर से डैंड्रफ जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और दूसरी बात जो है आपका हेयर का फॉल है वो भी कम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सलूशन बनाना। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम लोग हेयर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड एंड स्किन से रिलेटेड और भी स्टाइलिंग एंड हेल्दी फूड, ये सारे चीज़ जो है मेरे चैनल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा हेयर केयर का सीरीज नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना एंटी डैंड्रफ प्लस एंटी हेयर फॉल ऑयल बनाना। तो उसके लिए मैंने सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो लिया है वो ये है कड़वी नीम। यस, ये नीम जो होता है ये आपके डैंड्रफ के लिए एज वेल एज आपके हेयर फॉल के लिए, दोनों के लिए ये बेस्ट है गाइस। ये जो है ना, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पैक बताने वाली हूँ, जिसके यूज़ से आपका डैंड्रफ जो है वो 50% तक एक ही वॉश में गायब हो जाएगा। बट ये ऑयल जो है ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है और आपके डैंड्रफ को भी क्योर करता है। तो उसके लिए मैंने, देखिए, ये 1 कप जो है नीम का लीव्स लिया हुआ है, इसे बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ है, आप गंदे पत्ते नहीं लेंगे। एंड सेकेंड जो है, जो हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, वो है एलोवेरा जेल। तो देखिए, इसके अंदर ये जो जेल है इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। सो ये देखिए, इसका जेल जो है वो ऐसा दिखेगा। इसको आप अच्छे से वॉश करके आराम से अंदर का जेल आप निकाल लीजिएगा। एंड मैंने लिया है यहाँ पर ये करी लीव्स, ये आपके हेयर फॉल के लिए बेस्ट होता है गाइस। तो ये आप स्किप बिल्कुल मत कीजिए। ये भी मैंने 1/2 कप के अराउंड लिया हुआ है। एंड मैंने जो इसमें एक इंग्रेडिएंट लिया हुआ है, जो सीक्रेट है, वो ये है अखरोट। यस, आजकल जो अखरोट है इसका ऑयल बहुत मार्केट में अवेलेबल है, ट्रेंड में है। ये हमारे बालों के ग्रोथ को तो बढ़ाता है, साथ में उसको नरिश करने में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो ये भी मैंने यहाँ पे लिया है, 1/2 कप के अराउंड लिया हुआ है। एंड जो ये सारा ऑयल मैं बनाऊंगी वो है ये कोकोनट ऑयल। यस, आप सबको पता है कि कोकोनट ऑयल जो होता है वो आपके हेयर के लिए बेस्ट ऑयल होता है। तो ये आपने लेना है 1 कप के अराउंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ऑयल। तो गाइस, मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम जो है वो एकदम लो में रखा है और उसके ऊपर पैन रखा है। आपको ये सारा प्रोसीजर लो में ही करना है। अब मैं यहाँ पे ये 1 कप के अराउंड जो है कोकोनट ऑयल इसमें डाल दूंगी। देन ये नीम के पत्ते सब ठंडे तेल में ही आपको डाल देना है। देन ये अखरोट, करी लीव्स एंड एलोवेरा जेल। सो गाइस, इसे आपको लो फ्लेम में ही पकाना है। इसको कुक एकदम लो फ्लेम में करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा ये, बट आपने लो फ्लेम में ही करना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये एकदम प्रॉपर कुक हो गया है। आपने जलाना नहीं है, जिससे इसे ब्राउन करना है, और उसके बाद आप गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसे स्ट्रेंड करना है। सो गाइस, इसे 3-4 घंटे बाद आपने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। ये देखिए कितना सुंदर ग्रीन कलर का आपका जो ऑयल है ये रेडी है। सो गाइस, देखिए जो इतना नरिश्ड ऑयल है ये रेडी है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ।
आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 7 से 8 दिन या 10 दिन तक भी रख सकते हैं। बट मैंने पहले भी बोला है आपको कि कोई भी जो ये हम लोग घर पे ऑयल बनाते हैं इसको आप कम क्वांटिटी में बनाइए, यूज़ कीजिए, फिर आप बनाइए। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आपको जितना भी ऑयल आपके हेयर के अकॉर्डिंग लगेगा उस क्वांटिटी में आपको लेना है। उसके बाद में ये जो कपूर का टुकड़ा होता है एक, ये क्रश करके इसमें मिलाना है लगाते टाइम। इसको पहले से आपको मिक्स करके नहीं रखना है, नहीं तो ये जो इसका एसेंस है वो उड़ जाता है। इसीलिए आपको लगाते टाइम ये जो कपूर है ये क्रश करके इस ऑयल में डालना है। उसके बाद आपको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है, फिर आपको पूरी रात के लिए इसको छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन आपको मॉर्निंग में एप्पल साइडर विनेगर वाले शैम्पू से अपना हेयर वॉश करना है, जिससे आपका जो हेयर में जितने भी डैंड्रफ है वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाएंगे। सो आपको इतना करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कपूर कैसे मिक्स करना। सो गाइस देखिए, ये मैंने कपूर को अच्छे से क्रश कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मिक्स कर। सो गाइस ऑयल इज रेडी। सो गाइस मैंने आपको ये सोल्यूशन बताया है, आपको इसको वीक में 3 डेज यूज करना है, आप अल्टरनेट डेज में भी यूज कर सकते हैं। और ये सोल्यूशन आपको कैसे यूज करना है, मैंने सेक्शन बाय सेक्शन आपको अप्लाई करना है, अपने हेड पे, अपने हेयर पे, स्कैल्प पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपको नहीं तरीका पता है तो मैंने सिरम वाले वीडियो में एंड ऑयलिंग वाले वीडियो में अपना बताया हुआ है, मैं लिंक जो है अपने एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद में मैंने कंडीशनर और शैम्पू जो है उसका भी वीडियो दिया हुआ है, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर वाला जो है वो शैम्पू बताया है, वो आपके डैंड्रफ के लिए आप बोल सकते हैं वो रामबाण है एकदम। तो आप ये दोनों चीज जरूर करिए गाइस, आप 14 डेज में मैं बोल रही हूँ ना, आपका 100% डैंड्रफ जो है वो एकदम सही तरीके से क्योर हो जाएगा। सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो गाइज बाय।